तो पिछले कुछ दिनों में मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आया था और एक नन्ना कलाकार जो हमारे स्टूडियो के पास रहता है वो भी मेरे स्टूडियो में आया हुआ है और मेरे स्टूडेंट्स को डेमो दे रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कैनवस को स्ट्रेच करने जा रहा हूँ। तो कुछ लोग जो है रेडीमेड जो स्ट्रेच किया हुआ कैनवस है उसको खरीदते हैं, लेकिन इसको हम खुद भी स्ट्रेच कर सकते हैं, खुद भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेचर बनवा सकते हैं और उसको स्ट्रेच कर सकते हैं कैनवस को। तो उस बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप मेरे हाथ में देख रहे हो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर, ठीक है। ये आप किसी भी कोई प्रोफेशनल जो कारपेंटर होते हैं ना, जो लकड़ी का काम करते हैं, उन पे जाके आप बनवा सकते हो। चाहो तो रेडीमेड भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर हो सकता है कि आपके जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ पर कोई अवेलेबल ना हो, तो आप कोई कारपेंटर तो होगा तो उसके पास आप जाके ना उसको बनवा सकते हो। तो ये किसी भी साइज़ पे आप बनवा सकते हो। ये जो मैंने साइज़ ले रखा है ये है 24x30। देखो इसके अंदर ना ये खांचे होते हैं, ये आप खांचे देख रहे हो, मतलब ये जो बॉक्स है ना ये अलग भी हो जाता है और इसको हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से बन जाता है, आप चाहो तो इसको सीधा सीधा ही बनवा सकते हो। आप किसी को भी दिखाओगे ना कारपेंटर को, वो समझ जाएगा, वो बना देगा, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं कैनवस। ये कई तरीके के आते हैं, ठीक है। मैंने जो ले रखा है ये रॉ फाइन आर्ट का कैनवस है। ऐसी अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग कैनवस बनाते हैं। इसमें जो जैसे हम पेपर में देखते हैं तो GSM होता है, इसके अंदर होता है ऑन्स, ठीक है। ये जो मैंने कैनवस ले रखा है ये है 10 ऑन्स का कैनवस। ऑन्स में फ़र्क ये होता है जो इसकी कपड़े की जो थिकनेस होती है ना, इसका फ़र्क होता है, उसके जो ग्रेन है उसका फ़र्क होता है। जो मीडियम ग्रेन आता है, एक आता है फाइन ग्रेन, तो ये कहीं ना कहीं मीडियम ग्रेन का कैनवस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस कैनवस को ये यहाँ से यहाँ पर पेंटिंग होनी है, ठीक है। तो मैं इसको उल्टा करके रखूँगा कुछ इस तरीके से। और जैसे मेरा जो कैन जो स्ट्रेचर है ना ये है 24x30 का, तो 24x30 से बड़ा लेना है हमको, जो कैनवस लेना है ना ये लेना है हमको थोड़ा सा बड़ा। कितना बड़ा लेना है आप यहाँ देख लो, 3 से 4 इंच का आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सिमिलर साइज़ देख रहा हूँ और यहाँ यहाँ से ज़्यादा है, तो मैं इसको जब स्ट्रेच करने के बाद में इसको मैं कट कर दूंगा। तो ये मेरे हाथ में जो आप हथियार देख रहे हो इसको बोलते हैं हम गन, ठीक है। इसमें से इसके अंदर पिन लगती है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इसके अंदर ये पिन होती हैं जो कि स्ट्रेचर के अंदर इसको कपड़े को रोकने में हेल्प करती है, मतलब फेविकोल से नहीं चिपकता है ये पिन लगानी पड़ती है इसके अंदर। एक ये है इसको हम बोलते हैं पिन रिमूवर, अगर मान लो कोई पिन गलत लगा दिया तो उससे हम रिमूव कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्लायर, जिससे हम कपड़े को खींचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइज़ के अकॉर्डिंग हमें बड़ा कैनवस लेना है, उसके बाद हम एक साइड से इसको ऐसे लगाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है कभी कभी इसमें, वैसे इतना भी हार्ड नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया है, अब हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस प्लायर की मदद से इसको जो है खींचेंगे ताकि जो है टाइट रहे, ये हमारा जो कैनवास है ना वो टाइट रहना चाहिए। ऐसे ही पूरे कैनवास को हम स्ट्रेच कर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा भी मत खींच देना, ठीक है। एक लिमिट के साथ ही खींचा जाता है ये, वरना कपड़ा फट भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हो गया, अब मैं इसको ऊपर से स्ट्रेच करूँगा। तो यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा है, मैं कपड़े को काटूँगा बाद में, कैनवस को मतलब। ये क्या है ना, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, जो आप मार्केट से खरीदते हो ना रेडीमेड जो पूरा का पूरा मिलता है आपको ऑनलाइन, उससे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ये, क्योंकि कैनवस का रोल आपको 4 से 5 हज़ार रुपये तक में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वो खरीदोगे ना रेडीमेड वाला तो 1000 रुपये का ही, इतना बड़ा कैनवस ही आपको 1000 रुपये का पड़ जाता है पूरा का पूरा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, मैं ऐसे ही काम करता हूँ और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसे ही करो। तो अभी जो हमारा कैनवस है ना, हमने स्ट्रेच कर लिया है, चारों तरफ हमने पिन लगा दिया, लेकिन ये क्या है, ये ना अलग से कपड़ा निकल जाता है इधर, ठीक है, मतलब कोने से अलग निकलता है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको आप ऐसे दबाओ और इसको ऐसे रखो और फिर इस कपड़े को ऐसे करके मोड़ दो और फिर यहाँ पर पिन लगा दो। ऐसे सिंपल इधर भी करना है, इसको ऐसे मोड़ना है, मतलब प्रोफेशनल साफ सुथरा दिखना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसा मत करना कि आप ऐसे मोड़ माड़ के, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे मोड़ माड़ के ऐसे मत कर देना, इसको अच्छे से तरीके से ऐसे लगाओ, मतलब जैसे एक लिफाफा टाइप का रहता है ना, बॉक्स टाइप का कुछ एक फील आना चाहिए कुछ वैसा। ऐसे ही दस सिंपल इधर भी करूँगा मैं, फालतू कैनवस आ रहा है, हमारी जो लकड़ी है वो यहाँ तक की है, ये फालतू है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कट कर लूँगा यहाँ से, वो ध्यान से करना है, हाथ मत काट लेना अपना, ठीक है। कट गया यहाँ से,
तो हमारा जो कैनवस है वो रेडी हो चुका है, उसमें से आवाज़ देखो इस तरीके की आवाज़ आएगी, मतलब ये प्रॉपर रेडी है। ठीक है, इस पर अब हम चाहे बेस कोट लगाएं या फिर हम इसको डायरेक्ट ड्राइंग करके कलर करें, वो हमारी अपनी चॉइस होती है। अपने कैनवस को रख दिया अभी फ़िलहाल साइड में। तो मटेरियल की चॉइस ना आपकी अपनी होती है, आपको ना थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा कैनवस बेटर है, कौन से कलर बेटर हैं, कौन से ब्रशेस बेटर हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मैं आपको कुछ सजेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको रियलिस्टिक पेंटिंग करने का ज़्यादा मन है ना, तो आप जो है फाइन ग्रेन का कैनवस यूज़ करो। देखो मैं रियलिस्टिक पेंटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, मतलब अगर आप ये देखो ना तो ये भी पूरी तरीके से बहुत हाइपर रियलिज्म और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, थोड़ा सा इंप्रेशन में काम करता हूँ मैं। तो इसके लिए 10 ऑन्स का कैनवस मेरे को बेस्ट लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी कंपनी का चाहे कैनवस लेते हो, आप 10 ऑन्स का कैनवस ले लेना, और मेरे को लगता है वो बढ़िया काम करता है। और कलर की भी आपकी अपनी चॉइस है, चाहे आप कोई भी ब्रांड के कलर लो, कोई भी शेड यूज़ करो, इनफैक्ट आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो एक्रिलिक कलर में। ठीक है, वो एक्सप्लोर करने के ऊपर है कि आपके साथ में किस कौन से कलर की कंपैटिबिलिटी आपके काम के साथ में अच्छी बन रही है। ठीक है, तो कल ना मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आया हुआ था और मैंने इस पोर्ट्रेट को बनाया, ये भी मैं खुद ही स्ट्रेच किया है, कलर मेरे कैमलिन यूज़ करता हूँ मैं, एलिफेंट ब्रांड है उसके ही कलर यूज़ करता हूँ, और मैं जो मिक्स मीडिया में ज़्यादा काम करता हूँ तो मैंने इसके अंदर चारकोल भी यूज़ किया है। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं लाइव आके काम वाम करता हूँ तो और भी समझाता हूँ, तो वहाँ पर भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं इसको कैनवस को थोड़ा सा काम करूँगा क्योंकि मेरे को एक पेंटिंग भी बनानी है, और इसके बाद मैं जाऊँगा अपने दोस्त के स्टूडियो पर, मैंने उसको चेयर दी थी वेल्डिंग करने के लिए, उसको लेकर आऊँगा। तो मैं ना स्टार्टिंग में जो है विलो चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ, और इसके जो फीचर्स हैं ना इस पोर्ट्रेट के, मैं इस फीचर्स को और डार्क कर रहा हूँ, जैसे आँख हो गई है ना, और मैं अपनी फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ आप जिस तरीके से देख रहे हो, और बहुत ही पेशेंसली चला रहा हूँ। और मैं ना सोच रहा हूँ इस जो करेक्टर है ना इसको थोड़ा सा चेंज करूँ मैं, तो मैंने डिसाइड किया कि इस जो करेक्टर है ना मैं इसको हटाऊँगा और मैं यहाँ पर शिव का जो रुद्र रूप है ना मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं इसकी मूछें भी बनाऊँगा और इसकी एक दाढ़ी भी बनाऊँगा मैं इसकी, तो अभी बस ये मेरे माइंड में चल रहा है इस काम को करते वक्त। खैर देखते हैं अभी क्या करना है, और फिलहाल तो मैं यहाँ पे अपने ब्रश स्ट्रोक्स को लेकर और अपने कलर्स को लेकर यहाँ पे इसको एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब प्ले कर रहा हूँ। मैं सिंपली बोलूँ तो मैं, मेरे को खुद नहीं पता कि पेंटिंग क्या रूप लेने वाली है। देखो अभी कुछ इस तरीके से हो गया है ना, अब मैं यहाँ पर इसको जो है कलर हटा रहा हूँ वहाँ से, मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके, मुझे नहीं पता कि इस पेंटिंग में क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है। और मैं देखो यहाँ पे शिव का जो है ना, जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है फेस का, तो मैं कुछ इस तरीके से लूँगा, मतलब ऊपर को ऊपर की तरफ जो ना हेयर वाला पार्ट होता है ना शिव के, बड़ी बड़ी जटाएँ होती हैं, कुछ वैसा मैं इसको लुक दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लाइंस के थ्रू ना इसको अभी निकाल लिया है, सर के ऊपर आपको चांद का एक शेप दिख रहा होगा, तो अभी यहाँ पर मैं फ्लो कर रहा हूँ वाटर को। मैं सच बताऊँ तो मैं खेल रहा हूँ अभी पेंटिंग के साथ में है ना, और मुझे यही करना बहुत, मैंने भी थोड़ा बहुत अपना काम कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ अमित के साथ में। चल रहा है तू भी? चलो अभी हम जा रहे हैं विशाल के घर पे, वहाँ से चेयर लेकर आनी है, उसको दी थी ना वेल्डिंग करने के लिए, तो चलते हैं। 15 मिनट में लगता है, 20 मिनट तो लगेगा। तो हम निकल चुके हैं अपने दोस्त के स्टूडियो के लिए। दिल्ली में इतने दिनों से काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, लेकिन आज थोड़ी धूप निकल आई है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंड का तो पता नहीं। पहुँच गया, इसने ना मेरे को फ़ोन कर करके परेशान कर दिया, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, अभी जाके मैं इसकी खाट खड़ी करता हूँ। खोल, कहाँ जा रहा है तू? क्यों जल्दी मचा रहा है? देखो ये मेन बंदा है, मालिक है, ये नौकर आदमी है, नौकर है भाई, ये मेन मालिक है, नौकर भी इज्जत नहीं कर ले भाई तुम्हारी, नौकर भी नहीं कर ले भाई इज्जत तुम्हारी। बचपन से जानता है? बचपन से जानता हूँ भाई, बचपन से जानता हूँ, बच्चा फटी चट्टी पहन के घूमता था। चलो ले, फोटो तो बन गई है, अब मेरे को बहुत सा बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, चल निकल, पकड़, नहीं नहीं पकड़ गया, अभी तो जाएगा, थोड़ी सी ग्रीस लगानी पड़ेगी तभी जाएगा अंदर। ये सही है ना?
अब हम पूरे हम पूरी स्टूडियो में ऐसे घूमेंगे। चलो तो प्रतिमा आ गई है और ये क्या बना रही है? बुद्धा। बुद्धा चल ये कंप्लीट कर लेंगे फिर हम दिखाएंगे। कर लेंगे ना आज कंप्लीट। ओके हाँ भाई बीमार। ये देखो ये भाई हमारा बीमार हो गया है। क्या हो गया तेरे को? जुकाम? हाँ जुकाम। कुछ जुकाम हो गया। ये देखो इसने क्या बनाया है। अच्छा लग रहा है ये बनाया इसने, है ना? तो पिछले कुछ दिनों में मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आया था और एक नन्ना कलाकार जो हमारे स्टूडियो के पास रहता है वो भी मेरे स्टूडियो में आया हुआ है और मेरे स्टूडेंट्स को डेमो दे रहा है। ये देखो ये अभी 8th क्लास में है। बेटा क्या नाम है? वंश। और ये फ्लावर बना रहा है। सीख रहे हो तुम लोग? मतलब फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा है। ये फ्री हैंड कर रहा है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। यार तू है ना हफ्ते में 3 दिन आ जाएगा सर। वंश किसी का पता नहीं, मेरा काम इम्प्रूव करके दिखा दूंगा मैं। कम से कम ये तो रहेगा कि मैं जॉब छोड़ दिया मैंने, कुछ तो करूंगा। से होते लोगों के पास में देख रहे हो कैसे कैसे ज्ञान दे रहा है ये। बहाने एक से एक है इसके पास। बेटा काम करने से इंप्रूव होता है नहीं, जिससे क्लियर हो सके। तो वंश आया हुआ है और वंश आज पहली बार किसी स्टूडियो में आया ना? यस सर। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया स्टूडियो है। अच्छा। बहुत बड़ा भी है, अच्छी पेंटिंग है। तो ओके ओके तो अभी क्या करना है तुम्हारा? मतलब पेंटिंग आप करते हो, मैंने आपका काम देखा मुझे बहुत पसंद आया। अभी आगे क्या प्लान है आपके? आगे का ऐसा अभी कुछ सोचा तो नहीं है, पर स्केचिंग में आगे कुछ करना है। अच्छा मतलब आप फाइन आर्ट फील्ड में जाओगे? हाँ। ना ओके मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। काफ़ी कम उम्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत अच्छा लगा। हाँ। ओके आपके वर्क भी बहुत डिटेल्ड वर्क है, सारे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। ये नया वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अंश अभी बहुत छोटा है, इसके जो काम है पेपर वर्क बहुत अच्छा करा है इसने, लेकिन इसको अभी कैनवस वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है। तो बड़ा क्यूरियस था ये जब यहाँ पर आया था, बहुत सारी नए नए इसने क्वेश्चन पूछे और मेरे स्टूडेंट्स को भी इसने थोड़ी सी गाइडेंस दी है। तो थैंक यू सो मच वंश एंड हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है? यस सर। चलो बाय। तो वंश को मैं जा रहा हूँ गोलगप्पे खिलाने के लिए। गोलगप्पे तो नहीं खाए लेकिन हमने मोमोज खाए जो कि मेरे भी फेवरेट थे और उसके भी फेवरेट थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।